वीडियो में मैं लेके आई हूँ अपनी इस सस्ती शॉल। जी हाँ, ये बहुत सस्ती है, 100 रुपए की है। और इस सस्ती शॉल से मैं आपको पांच डिजाइन बताऊंगी जिसको आप यूज करके ना सबसे मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आ जाएगा क्योंकि कोई कटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, और सिर्फ कुछ सेकंड, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड में एक कमाल का डीआईवाई बन जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरे रीयूज़ आइडिया और ख़ास करके शॉल वाले बहुत पसंद आते हैं। और मैंने देखा कि जब मैं वीडियो डालती हूँ तो कुछ टाइम बाद बहुत सारे इसी आइडिया को कॉपी करके लोग भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा यही काम है कि मैं आपको फ्रेश आइडिया दूँ और अलग अलग तरीके से चीज़ों को रीयूज़ करना बताऊँ, और आप सब उसको बहुत पसंद भी करते हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो चलते हैं आज के वीडियो में। और आज इस 100 रुपए की शॉल, जी हाँ, ये 100 रुपए की शॉल है। और आज इस 100 रुपए की शॉल से मैं आपको पांच अलग तरीके से यूज़ करना बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहला जो आइडिया है, इसमें मैंने शॉल को नॉर्मल जैसे हम पहनते हैं उसी तरीके से लिया है, और सेंटर पे मतलब शॉल को बराबर ओढ़ना है। और अब इसको इक्वल कर लीजिए, और सब इसके बाद शॉल के कॉर्नर को लीजिए और दोनों कॉर्नर को पकड़ के शॉल को बराबर कर लीजिए। तो देखिए शॉल हो गई बराबर। ये शॉल मैंने बराबर कर ली। अब इसके इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस कॉर्नर को, जी हाँ, दो कॉर्नर को ही यूज़ करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने पिन से यूज़ करना बताया था, पिन में मोती या फिर आप ब्रोच लगा सकते हो, और उसको दो तरीके से स्टाइल करना बताया था। लेकिन आज कोई पिन नहीं बताऊँगी, आज मैं यूज़ करूँगी ये बैंगल। जी हाँ, इस बैंगल को यूज़ करेंगे, और बैंगल को लेंगे और इसके कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर है ये, देखिए ये सबसे पहला जो आपने देखा, ये इस वाले को पकड़ेंगे और इसके अंदर इसको डाल लेंगे। ये मैंने इसको डाला। अब दूसरे वाले को भी लेंगे सेम, और इसको भी इसके अंदर डालेंगे। दोनों कॉर्नर को इसमें डाल देंगे और हल्का सा काउल बनाते हुए इसको, मतलब जैसे कैदुली डालते हैं ना, सिंपल वैसे ही इसको कर देंगे। और अब इसमें जितने भी काउल्स हैं इसको सेट कर देंगे, एक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा की और कर देंगे ताकि वो हल्का सा करवाए। और देखिए कितना स्मार्ट लुक बन जाता है सिर्फ एक बैंगल से। जी हाँ, इस तरीके से आप अपने शॉल को वेयर करिए, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत स्मार्ट लुक लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है। एक तरफ मैंने इसमें काउल ज़्यादा करे हैं और एक तरफ थोड़ा सा स्ट्रेट आया है, और बहुत प्यारा, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, शॉल से कितना स्मार्ट आइडिया है। और आप इसको किसी भी ड्रेस के संग पहन सकते हैं, आप इसको साड़ी के संग, सूट के संग, अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, जीन्स टॉप या फिर गाउन, कुछ भी आप कैरी कर रहे हैं ज़रूर पहनिए, बहुत प्यारा लगेगा। और अब आप चाहें तो बैंगल के ऊपर या फिर साइड में इस तरीके के ब्रोच भी लगा सकते हैं, या फिर उस बैंगल के ऊपर भी कुछ अच्छा सा कर लीजिए, बहुत प्यारा लगेगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ एक सुंदर सा ब्रोच और कितना प्यारा सा लुक क्रिएट हो गया। मैंने इसको ना बैंगल के ऊपर ही अटैच कर लिया है, ये देखिए लग रहा है ना बहुत प्यारा। आप इसी तरीके से एक दो ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं और प्यारा लगेगा। तो ये बहुत सिंपल, बहुत स्मार्ट सा लुक है। देखिए पूरा शॉल भी कवर हो गया है, पूरी बॉडी भी कवर है, और कितना स्मार्ट लुक है। नॉर्मल रैप करना बहुत बोरिंग काम है, लेकिन उसी नॉर्मल शॉल को आप इस तरीके से पहन करके कितना स्मार्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो है ना ये अच्छा आइडिया, बिना कुछ करे, बिना कुछ टक करे, बिना कुछ फोल्ड करे, बिना कुछ कटिंग करे, आप ये स्मार्ट लुक कैरी कर सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट आइडिया और ये बहुत स्मार्ट है। जी हाँ, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब चलते हैं अपने सेकेंड आइडिया की तरफ, और सेकेंड आइडिया में फिर से मैं सेम, ये पूरे पाँच आइडिया आपको इसी शॉल से ही मैं बताऊँगी। और इस शॉल को जो सेकेंड आइडिया ना, इसमें शॉल को सेम उसी तरीके से पहनना है, मतलब बीच में इक्वल कर लेना है, ये देखिए, और बहुत नॉर्मल जैसे हम पहनते हैं बहुत आराम से इसको इस तरीके से पहन लीजिए। और ये देखिए इसमें भी सेम कॉर्नर मिला लेना है, क्योंकि नीचे से ही आपको पता चलेगा कि आपकी शॉल इक्वल है कि नहीं। जब ये पूरी बराबर हो जाए तो इसको हल्का सा पीछे की ओर करके, ताकि हाथों में और पीछे पूरा अच्छे से कवर्ड हो जाए, और इसको आपको ऐसे हल्का सा एसमेट्रिकल लुक देंगे इस शॉल को, क्योंकि इससे आपका लुक पूरा आएगा कार्डिगन का, जैसे कि कार्डिगन पहनते हैं आप, स्वेटर पहनते हैं, तो सेम इसी तरीके से ये एसमेट्रिकल लुक आएगा हल्का सा कर्व करते हुए। तो यहाँ पर आप कोई भी ब्रोच लगा सकते हैं, कोई भी पिन लगा सकते हैं, ब्रोच लगाइए स्मार्ट लगेगा। और बस इसको करना है आपको इस तरीके से, तो देखिए आपका बस कुछ सेकेंड में पूरा एक बढ़िया सा कार्डिगन रेडी हो जाएगा। आजकल बहुत ट्रेंड में है वूलन्स एकदम लूज और स्वेटर इस तरीके के, तो आप अपनी शॉल को इस सेम लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए शॉल को इस तरीके से पिनअप करा ब्रोच के साथ, और ये बन गया बहुत ही प्यारा सा आपका
पोंचो। जी हाँ, इस तरीके से देखिए पूरा पोंचो वाला लुक भी आ गया है और कार्डिगन वाला लुक भी आ गया है। तो इसको सिर्फ आपको ब्रोच लगाना है सिर्फ एक बार, और देखिए क्या प्यारा सा लुक आ जाता है इसका। तो इससे शॉल भी कवर हो जा रही है, पूरे हाथ भी कवर है, पूरा बैक भी कवर है, और बार बार आपको शॉल को ठीक करने का झंझट भी नहीं है। सिर्फ एक बार आपने ब्रोच लगाया और देखिए कितना स्मार्ट लुक आ जाता है। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से जब आप कपड़े पहनेंगे ना, आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे बेल्ट भी लगा सकते हैं। जी हाँ, इसको हल्का सा और एसमेट्रिकल कर लीजिए और सिर्फ फ्रंट में आप बेल्ट लगा लीजिए, मतलब बेल्ट आपकी यहाँ पर दिखेगी और बैक में सेम जैसे है शॉल, पूरा शॉल कवर रहेगा, तो बहुत प्यारा लुक लगेगा। आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड आइडिया, बिना कुछ करे सिर्फ एक ब्रोच लगा करके अपने आप को स्मार्ट बनाने का। अब चलते अपने थर्ड आइडिया की तरफ। अब नेक्स्ट आइडिया में देखिए, आप इसी शॉल को हल्का सा डन करिए और जो ब्रोच लगाइए ना, ये पीछे की साइड चली जाएगी। आप इसको पीछे कर लीजिए, ये देखिए, और अच्छे से सेट कर लीजिए, और नेक के पास इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए क्योंकि शॉल लूज है। आराम से ये हल्का सा जैसे कि बोट नेक होता है ना, सेम बोट नेक आ जाएगा इसमें, ये देखिए। तो प्रॉपर शॉल आपका अच्छे से कवर्ड है और पीछे जब आपने ब्रोच लगाई तो इससे बहुत सुंदर लगता है। अब सेम इस तरीके से यहाँ पर भी आप एक या दो इस तरीके से ब्रोच लगा सकते हैं और कितना सुंदर लुक लगेगा। आपके पूरे हाथ कवर हैं और एकदम फ्री होकर के आप कुछ भी कर सकते हो, और ये भी बहुत स्मार्ट तरीका है। ऐसे इस आइडिया को ना आप किसी भी कपड़े के संग वेयर करिए, बहुत प्यारा लगेगा। साड़ी पे भी करिए, सूट पे भी करिए, ड्रेस पहनी है आपने या फिर जीन्स टॉप कुछ भी पहनी है, आप इसको अपने तरीके से पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो था आज का मेरा थर्ड तरीका। अब इसी को ही थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। जी हाँ, इसको थोड़ा सा और स्मार्ट बनाते हैं। अब इसको आप इस तरीके से हाथ बाहर की ओर कर लीजिए, तो जैसे एथमेटिकल शेप होता है ना, तो सेम इसी तरीके से शॉल को वेयर करेंगे। और ये थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए और गले के पास शॉल को और थोड़ा सा पीछे की ओर कर लीजिए, ये इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको टाइट लग रहा हो तो आप अपने अप्रोच और नीचे कर लीजिए, बस ऐसे। चाहें तो यहाँ पर भी आप ब्रोच लगा सकते हैं या फिर कुछ भी आपको ऑर्नामेंट लगाना आप वो लगा सकते हैं, और ऊपर की साइड आप बेल्ट भी लगा सकते हैं। तो बहुत स्मार्ट सा लुक ये भी क्रिएट हो जाएगा, सिंपल हल्का सा टर्न करके ही आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। तो है बहुत स्मार्ट, देखने में बहुत आसान और थोड़ा सा अलग। जी हाँ, आप चाहे तो सिर्फ एक ब्रोच से भी काम चला सकते हैं, और आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अलग और दो तीन ब्रोच लगा करके और इसको स्मार्ट बना सकते हैं। तो ये था मेरा फोर्थ लुक। अब ये है आइडिया नंबर 5, और ये है उन लोगों के लिए जिनको शॉल को शॉल की ही तरह पहनना है, मतलब उनको कोई भी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो आप यकीन माने, इस तरीके से जब आप पहनेंगे ना, तो आपको बार बार शॉल को पकड़ने का, फोल्ड करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपकी शॉल वहाँ से खिसकेगी नहीं। जी हाँ, शॉल को मैंने ब्रोच लगाया और इस तरीके से आपको पहनना है। तो देखिए, एक ही बार ब्रोच लगाइए, उसको अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे आपको पहन के दिखाया है। अब आप शॉल को इस तरीके से ऐसे कर लीजिए, ये देखिए, ये बहुत स्मार्ट तरीका है। अब आप चाहें तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको भी आप ऊपर की ओर कर सकते हैं, और ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रोच लगा लीजिए। तो सारे काउल को अच्छे से हाथों से सेट कर लीजिए ताकि देखने में और स्मार्ट लगे, और पीछे से भी काउल आ रहा है, आगे से भी इस तरीके से काउल्स आ रहे हैं, और आप यहाँ पर ब्रोच लगा सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर लीजिए और बाहर से ब्रोच लगा लीजिए, बहुत स्मार्ट लगेगा। क्या है, जब इस तरीके से काउल बन जाते हैं, नॉर्मल रैप करते हैं तो सिर्फ वो एक ओढ़ने वाला काम होता है, लेकिन इस तरीके से आप पहन करके बहुत स्मार्ट भी लगेंगे और देखने में भी बहुत स्मार्ट लगेगा, और आपके हाथ एकदम फ्री होंगे, बार बार आपको शॉल को पकड़ने का या फिर इसको ओढ़ने का कोई झंझट नहीं रहेगा। कैसा लगा आपको आज का ये शॉल का सिंपल सा वीडियो? जी हाँ, बहुत सिंपल है, आप ट्राई ही करिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना यूजफुल भी है। तो जब भी आप ड्रेसेस पहने और शॉल को अगर पहन रहे हैं, तो शॉल को इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। सिर्फ कुछ सेकेंड लगते हैं और एक नया डिज़ाइन, नया स्टाइल क्रिएट हो जाता है। तो आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करेगा और कुछ शेयर भी करेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे और यूजफुल वीडियोस आपके पास आते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।